तीरथ गए ते एक फल संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल कहे कबीर विचार। तीर्थ जाने से एक पुण्य मिलता है तो संत की संगत से चार पुण्य प्राप्त हो सकते हैं। कबीर का सारा जीवन सत्य की खोज तथा असत्य के खंडन में व्यतीत हुआ। कबीर की साधना मानने से नहीं जानने से आरंभ होती है। वो जन्म के धन्य से ही नहीं अपने कर्म से वंदनीय हो गए। महात्मा कबीरदास वो धूल से उठे थे लेकिन माथे का चंदन बन गए। महात्मा कबीरदास व्यक्ति से अभिव्यक्ति हो गए और इससे भी आगे वो शब्द से शब्द ब्रह्म हो गए। मानवता की रक्षा, विश्व बंधुत्व और परस्पर प्रेम के लिए कबीर की वाणी एक बहुत बड़ा सरल माध्यम है।